साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि से संबंधित किसानों के लिए महत्वपूर्ण 17वीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो साथियों, जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि मोदी जी द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में शपथ लेने के बाद किसानों के लिए पहला तोहफा देने जा रहे हैं, जो कि 17वीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रूप में आ रही है। तो ये जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त है, ये आपको 18 जून 2024 को हस्तांतरित की जाएगी। अब बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं, तो आपको ये 17वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात है, अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखें। बैंक खाते की स्थिति के साथ साथ अपना आधार सीडिंग जांचें। तीसरा है, अपने आधार सीडेड बैंक खाते में अपना डीबीटी विकल्प रखें, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट काम है, अपना ईकेवाईसी पूरा रखें। पांचवा है, पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस मॉड्यूल के तहत अपनी आधार सीडिंग की स्थिति जांच करें। तो साथियों, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, तो 17वीं किस्त पाने के लिए आपको ये 5ों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर बात करें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त कितने किसानों को मिलने वाली है, तो यह सम्मान निधि जो है कि 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी। अगर इससे पहले की किस्तों की बात करें, जो कि 16वीं किस्त थी, उसमें 8 करोड़ किसानों को यह लाभ दिया गया था, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने 9 करोड़ 30 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना देने की बात कही है, जो कि 18 जून 2024 को सभी किसानों को उनके बैंक अकाउंट में सीधा भेज दिया जाएगा। तो साथियों, ये रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और ऐसे ही महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिग जोश को।